सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो और दुआएं सबसे पहले। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार सदा सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर अगले मैच से कबल कराची किंग के स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। कराची किंग के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इतवार को नेशनल स्टेडियम में क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाफ मैच से कबल कराची किंग के स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। पेसर अपनी वालदा की अलालत के बायस 4 मार्च को ही दुबई से पाकिस्तान वापस आ गए थे और UAE में कराची किंग्स के आखिरी लीग मैच में टीम इनके बगैर ही मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैदान में उतरी। बाद अज़ा इसी रात मोहम्मद आमिर की वालदा का इंतकाल हो गया था। पेसर जुम्मे की रात या हफ्ते को लाहौर से कराची पहुँचकर अपनी टीम को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। कराची किंग की लीग मरहले के 2 मैच बाकी है। इससे पहले मुकाबले में इतवार को क्वेटा ग्लैडिएटर और दूसरे मैच में पीर को पेशावर ज़म्मी का चैलेंज दरपेश होगा। प्ले ऑफ मरहले तक रसाई के लिए कराची किंग को कम से कम 1 मैच जीतना जरूरी है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग की नुमाइंदगी करते हुए 7 मैच में 22 की औसत से 9 विकेट हासिल की थी। तो दोस्तों ये थी मोहम्मद आमिर के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए। मेरी दुआ है कि मेरी, आपकी और हम सब की हर जायज मुराद पूरी हो। मेरी न्यू वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ही हाफिज और निगहबान हो। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।